तो हेलो एवरी वन कैसे हो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई स्वीट होम येस ये मेरा प्यारा सा घर है होम टाउन वाला यहाँ पे मेरी फादर की नेम प्लेट लगी हुई है मेरे फादर आर बी आई बैंक में ऑफिसर रैंक पे थे तो उनकी नेम प्लेट वन साइड है और अनदर साइड हमारी तीनों भाई बहन की है मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं और मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मेरा नेम भी बीच में मैंशन कराया है तो ये हम तीनों की नेम प्लेट और यहाँ से ये मेरा घर स्टार्ट होता है और ये मेरा क्यूटी पटूटी भाग भागता हुआ मम्मा को ढूंढने आ रहा था तो ये हमारे घर का एंट्रेंस है और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत शोर था मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और ये मेरे डैडी वो अपने हाई करते हुए डैडी बेबी के साथ खेल रहे थे नाना नाती की बहुत अच्छी पड़ती है दे ऑलवेज यूज़ टू प्ले टुगेदर और ये हमारा नीचे का हॉल है एक्चुअली ये एक तरीके से गेस्ट रूम भी है ज़्यादातर गेस्ट आते हैं सब यहीं बैठते हैं उठते हैं या किसी को स्टे भी करना है तो भी वो इधर ही करता है तो ये मेरा हॉल है ये मेरे घर का सबसे चिल्ड एरिया है यहाँ पे इतना ठंडा रहता है क्योंकि एक्चुअली थ्री फ्लोर बने हैं हमारे घर में तो ये ग्राउंड फ्लोर बहुत ही ठंडा करता है और मुझे ये अपने घर का सबसे पीसफुल प्लेस लगता है मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं पे स्पेंड होता है कोई भी आवाज़ नहीं आती है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे तो ये मेरे घर का बेस्ट प्लेस है और यहाँ पे मेरा सबसे अच्छा टाइम पास होता है वो मेरे एक्वेरियम के साथ एक्चुअली यहाँ पे अभी बहुत सारी फिशेज मर चुक गई हैं मेरी क्योंकि गर्मी की वजह से बाकी मेरी ये फिशज़ हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है इसमें गोल्ड फिश है फाइटर फिश है और पहले इसमें पिराना थी वाइट शार्क थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता फिशेज़ को देखते हुए टाइम पास करना सो दिस इज़ माय होम और ये मेरा प्यारा सा हॉल है और मैं आपको ऊपर लेके जा रही हूँ क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है अब ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ मैं आपको अपने फर्स्ट फ्लोर की विज़िट करा रही हूँ ये बाहर का गेट है यहाँ पर कार भी खड़ी हो जाती है और यूजली यहाँ पर छोटे मोटे गेस्ट भी आगे बैठ जाते हैं और ये मेरे घर के स्टेयर्स हैं जो मैं बाहर ऊपर जाते हुए आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाने वाली हूँ तो ये है मेरे घर का फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया जहाँ वॉशरूम बाथरूम ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ये घर का वो हिस्सा है जहाँ पे मम्मा खाना बनाती है तो हम लोग यहीं पे बैठ के उनसे बातें करते हैं डाइनिंग टेबल भी पास में ही है ये हमारा किचन थोड़ा मैसी हो रखा है एक्चुअली आज मेड नहीं आई हुई थी तो बहुत सारा फैलावा फैला हुआ है डोंट सी द मेस बाकी ये मेरा रूम है दिस इज़ माई रूम यहाँ पे मेरा बोर्ड भी लगा था आई डोंट नो कहाँ चला गया मेरा क्यूट सा रूम है मेरे घर पे कुछ प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं ये है बिट्टू ये है शैलिया पी और ये मेरी मम्मी भी हेलो करते हुए मैंने मम्मी को आज मेहंदी लगाई थी देखो और मम्मी बैठ के वो छुड़ा रही थी हालांकि थोड़ी थोड़ी आ रही है कलर आ रहा है बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी मेरा बहुत मन कर रहा था मम्मी को मेहंदी लगाने का तो ये मम्मी की एक्चुअली एनिवर्सरी है आज तो ये उनके लिए गिफ्ट लेके आई थी तो बस वही हम लोग का नाश्ता चल रहा था ये शैली अपनी लोग मम्मी के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और यहाँ इनका कुछ चाय नाश्ता चल रहा है तो लोग मेहमानों को थोड़ा सा चाय नाश्ता करा ही दूँ मैं <laughs> तो कह रही कितना ज़्यादा दे रही है और यहाँ पर वीडियो भी शूट हो रही है मेरा कैमरा मैन बहुत सपोर्टिव है एक्चुअली बहुत ही पेशेंसफुली हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी <laughs> मेरी क्यूट सी है ना बहुत ही हेल्प करती है मेरी वीडियो बनाने में और ये मैंने मम्मी से बोला चलो तुम भी थोड़ा सा खा लो हालांकि मम्मी को डायबिटीज़ है ना तो मम्मी को बहुत ही कम चुनिंदा चीज़ें हम देते हैं बट सेव तो खा सकती हैं बेसन के होते हैं तो ये मेरा रूम है यहाँ पे बहुत सारी डॉल्स लगी हैं एज़ यू सी अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ जो कि मेरी मम्मा का रूम है और ये मेरी मम्मा का रूम है इस साइड यहाँ की मैंने लाइट्स ऑन कर दी है यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं मैंने यहाँ से कहा चुप्पे चुप्पे आ जाओ बस थोड़ा सा लुक दिखा दो यहाँ पे फैमिली फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जिसमें हम सारे लोग हैं यहाँ पे और ये मेरे मम्मी डैडी अपनी प्यारी सी बहू के साथ फ़ोटो भी उनका भी लगाया रूम में तो ये मॉम डैड का रूम है ये हमारे घर का वो हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चहल पहल रहती है क्योंकि हम लोग यूजुअली जब छुट्टियों से आते थे कॉलेज से आते थे तो हम लोग मम्मी के रूम में ही सोते थे और आज भी हम लोग का फेवरेट प्लेस यही है मम्मी कहीं और नहीं सोने देती हूँ ये मेरे घर का बाहर का एरिया है ये बाहर से कुछ ऐसे दिखती है अभी तो बहुत घर बन गए हैं पहले यहाँ पे सामने बहुत बड़ा बा हुआ करता था आम का तो बहुत ही अच्छी हमारी बचपन की यादें गुजरी हैं यहाँ पे और ये हमारी गली नीचे है। लेकिन अब तो कॉलोनी बन गई है क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं मैंने कहा चुप्पे चुप्पे चलो यहाँ से भाग चलते हैं हम लोग और फिर मैंने खामोशी से सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मैंने कहा चलो इनको सोने देते हैं वरना इनकी नींद उछड़ जाएगी फिर हमने कहा चलो अब हम तुमको ऊपर लेके चलते हैं तो ये हमारे घर का सेकेंड फ्लोर है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ एक्चुअली सेकेंड फ्लोर भी बहुत स्पेशल है यहाँ पे हमने छोटा सा प्यारा सा मिनिएचर गार्डन बना रखा है ये मेरे पापा को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और मुझे भी उनके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ मेरे लाए हुए हैं और ये देखो सारे कलरफुल कर रखे हैं मेरे फादर को बढ़िया हाँ टाइम पास मिलता है ये मैंने सारी अपनी यूजलेस बॉटल से ये बनाए हैं ये हार्पिक की बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है और एक पुरानी बॉटल्स हैं उनको टूट के मैंने ये अच्छा सही सा ये सब टूट गई थी इनको मैंने अच्छे से यूटिलाइज कराया और छोटे छोटे प्लांट्स लगाए ये मेरा फेवरेट क्राफ्टिंग का टाइम भी होता है प्लांटिंग का अब मैं आपको अपने सेकंड फ्लोर पे जो रूम है वो दिखाऊंगी पर उससे पहले ये देखो मैंने क्यूट सी डॉल बनाई थी और साइड में वो जो बेल वाले फ्लावर्स आते हैं ना वो लगाए थे जिससे लग रहा है ये डॉल के हेयर्स हैं और यहाँ पे ये एक और डॉल ये दोनों मैंने भाई के गेट पे लगा के रखे हैं ताकि किसी की नज़र ना लगे भाई के रूम को और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे भाई भाभी का रूम हम लोगों ने बहुत मन से भाई भाभी का रूम मैंने डेकोरेट किया है इस घर रूम का पेंट वगैरह सब कुछ मेरी पसंद का है और ये आलिशा सा कमरा मेरे भाई भाभी का है मैंने पूरी थीम रेड ब्लैक एंड वाइट की थी इसलिए ये देखिए जो आप अलमेरा देख रहे हो ना ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी और ये भी मैंने रेड और ब्लैक ही मंगाई है ये भाभी का बेड है और ये कमरा बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे ये भाभी का ड्रेसिंग टेबल है जिसपे भाई भाभी अच्छे से रेडी होते हैं ये मेरे भाई भाभी की तस्वीर क्योंकि वो लोग क्लिनिक गए हुए हैं इसीलिए लिए यहाँ पर मेरे भाई भाभी दोनों ही डॉक्टर हैं तो उनका अपना क्लिनिक है तो वो दोनों अभी वहीं गए हैं तो ऑब्वियसली इसीलिए मैं उनके रूम का दिखा रही हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा इतराती हुई <laughs> और ये पूरा रूम का सर्वे ले रहा है मेरा कैमरा और ये छोटा सा क्यूट सा मुझे ये बहुत प्यार लगता है शोपीस अल्लाह लिखा है इस पर और बहुत सारे डायमंड्स लगे हैं छोटे छोटे से स्टोन्स मतलब ओरिजिनल डायमंड नहीं और ये मेरे भाई भाभी की तस्वीर ये इंगेजमेंट की है वो रिसेप्शन की थी तो ये बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ है ये सब ये एक्चुअली हम लोगों ने सबने मिलकर डेकोरेट कराया पूरा बहुत प्यारा सा और ये वॉल वॉच मैंने ही एक्चुअली मंगाई थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी सुबर सी डिज़ाइनर मेरे भाई ने पूरा डिज़ाइन का रूम डिज़ाइन का मेरे पे डाल दिया था कि तुझे जो करना है कल कर। मेरा भाई बहुत प्यार करता है मुझसे तो मैंने अपने भाई भाभी के लिए बहुत अच्छा सा रूम डेकोरेट किया और ये मेरी भाभी का कछ्छू ये टोटोइ है या टर्टल डोंट नो बट ये बहुत ही डिफरेंट वैरायटी का है इसका जो शेल है ना वो फोल्ड भी हो जाता है मैंने कभी किसी ऐसे कछुए को ऐसा नहीं देखा बट दिस इज समथिंग डिफरेंट पीकॉक वैरायटी का आई डोंट नो तो ये उनका कछुआ ये उन्हीं के साथ रहता है अपने अलग एक्वेरियम में और ये भाई की रूम से बाहर निकल के कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है यहाँ पे बालकनी जैसा कुछ है और ये मैं भाई भाभी का रूम अच्छे से लॉक कर देती हूँ इससे पहले कोई बंदर अंदर घुस के आतंक मचाए और फिर मैं अच्छे से रूम को बंद करने के बाद मुझे मुझे लिटरली यहाँ पे खड़े होके प्लांट्स को देखना बहुत अच्छा लगता है मेरा सबसे अच्छा टाइम पास होता है यहाँ पे मैं जब कुछ भी कंटेंट वगैरह सोचना होता है या कुछ भी आराम से आप यहाँ बैठ के फ़ोन पे बात करो या कुछ भी करो बड़ा अच्छा लगता है ये हमारे घर का सेकेंड फ्लोर था अब मैं आपको दिखाऊँगी ये थर्ड फ्लोर है ये ऊपर चलो लेके चलते हैं ये मैंने साइड से कलरफुल यहाँ पे वास लगाया है आप जिसे देख रहे हो बड़ा प्यारा लग रहा है मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का लेकिन चलो ठीक है दिखा देती हूँ मैं यहाँ से भी अपना एक अलग ही नजारा दिखता है तो ये थर्ड फ्लोर है हमारे घर का नहीं फर्स्ट सेकेंड यस थर्ड यह हमारे घर का थर्ड फ्लोर है और यहाँ पे भी एक रूम बना है ये बेसिकली गेस्ट रूम है जब बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं या भाई की शादी में बहुत सारे गेस्ट थे तो इसलिए उसके लिए और यहाँ से लगभग मेरा घर बहुत ऊंचा हो जाता है यहाँ से तो यहाँ से बहुत सारे घर दिख रहे हैं इवन हमारे यहाँ पे जो नुमाइश लगती है ना फेस्ट वगैरह वो यहाँ से इवन उसके झूले तक दिखते हैं मेरे इस वाले घर से इवन इसके ऊपर जो फ्लोर है वहाँ से तो बहुत ही कुछ दिखता है तो यहाँ पे अक्सर मैं जैसे सर्दियों में धूप वगैरह लेने आ जाती हूँ मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसके ऊपर भी ए फ्लोर है पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा था गाइज आई डोंट नो आई होप मेरी वीडियो मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे तो गाइज अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब बाय